20 से जला लो उसको 20 से। सर्वप्रथम जिसने गरीबों को काम, पूर्व को जबान, शोषित मानवों को ज्ञान, दलितों एवं भेदों को मान, नारी को सम्मान, देश को समता, न्याय बंधु स्वतंत्रता, दयामय की करुणा पर आधारित जनतांत्रिक सर्वोच्च संविधान, मां का कुर्बान को प्रतिदान, गांधी को कामदान, इस धरती की भारत को बहुत धर्म महान, देवी के साथ ही साथ भूले भटके किसरे किसारे गए छिपाए बुलाए गए असली मानववादी महापुरुषों को सम्मान दिया ऐसे महामानव बुद्ध सत्व प्राप्त हुए बाबा साहब का हीरा मुकर को मैंने उठाया। अबे आ जाओ मन पर विराजमान मध्य प्रदेश बहुजन आंदोलन के महासचिव श्री एम के गोरकर जी, सचिव नारायण पटेल जी, इंजीनियर आर दुबे जी, श्री रमाकांत सिंगौर जी, चंद्र प्रकाश पटेल जी, दिनेश कुशवाहा जी,
ईगर प्रसाद कुशवाहा जी, अन्य सभी हमारे मंच पर बैठे नेतागण, बच्चे सभी बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, माताओं बहनों, बच्चों, मैं 7-8 महीने से लगातार मध्य प्रदेश की धरती पर आपके दुख सुख को जानने और अपने उत्तर प्रदेश की स्थिति से आपको अवगत कराने का काम कर रहा हूं। उत्तर प्रदेश में चुनमों का कांटा लगा हुआ था, असमानता का तांता लगा था, नफरत की दीवार खड़ी थी, घर घर में नफरत का माहौल बना हुआ था। ऐसी स्थिति में बहुजन आंदोलन को घर घर जगाकर उत्तर प्रदेश में पिछड़े वर्ग के तमाम साथियों ने आंगनबाड़ी लेकर जिस तरह से बहुजन आंदोलन खड़ा कर दिया, और आज उत्तर प्रदेश में बहुजन आंदोलन की बहुमत से सरकार बनी हुई है, गरीबों के साथ, शरीफों के साथ किया जा रहा है। आप लोग अखबारों से, टीवी से, रेडियो से सुनते भी हैं। मैं बहुत ज्यादा मखान करने नहीं आया, लेकिन इतना जरूर करना चाहता हूं कि घायल की घायल जाने के लिए घायल हो जाके वहां के गुंडे बदमाश लुटेरे अपराधी सब वहां से गायब हो गए। या तो लाखों के तादाद में आज जेल में है, जेल में फूल दिया गया सरकार बनते ही, जो कहीं बचे हुए हैं, जो भटके हुए भाग रहे थे उनका इनकाउंटर भी हो गया कड़ुआ जैसा, बहुत बड़ा अपने को मरता जो अपराधी बचा कुछा भी है नहीं, वो उत्तर प्रदेश से भागकर मध्य प्रदेश में भागा आया है। लेकिन जैसे ही मध्य प्रदेश में हम लोग हमारे साथी लोग घूम रहे हैं, चाहे माननीय रघुनाथ मिश्रा जी हो, माननीय शिक्षा मंत्री है, चाहे माननीय कुंवर प्रसाद सिंह हो, चाहे माननीय अनंत कुमार जी मिश्रा जी हो, स्वास्थ्य मंत्री है, जैसे ही हम लोगों का यहाँ घूमना शुरू हुआ तैसे यहाँ से ही धीरे धीरे पलायन करना शुरू हो गया है, महाराष्ट्र की तरफ जा रहे हैं। लेकिन मैं कह रहा हूं जहां कहां जाओगे, जहां जहां जाओगे वहां वहां पाओगे, और जो महाराष्ट्र में हम लोग पहुंच रहे हैं कुछ साथियों को भेज दिया गया है, लेकिन महाराष्ट्र में ही कभी हम लोग पहुंचेंगे तो उनको सिर्फ समुद्र में समा जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा। पुलिस को लगा दिया हर गांव गांव की, जाओ देखो तुम्हारे रूप में कौन अपराधी छिपा हुआ है। अब जब वहां का अपराधी शेर बहादुर सिंह और वीर बहादुर सिंह जिनके नाम की टूटी बोलती है, वो जो
तब वहां पता चलता है, तब वहां की जनता आज उस तरह से चल रही है। आज भी कुछ ट्रेंड लोग हैं, उनको भी बड़ी बारीकी से देखा जा रहा है, कोई कुछ नहीं सकता है। मैं यहां भी आया हूं कि यहां भी आने आकर उनको शरण दिया जाता है, धरती धरती कार्यों पर यहां के नेताओं की कृपा से, यहां के मुख्यमंत्री की कृपा से, इसलिए कि वो भले सजाया आता है लेकिन उनको चिकित्सालय भेज दिया जाएगा सरकारी, तो उनको बढ़िया सुविधा मिलती रहेगी, वो बड़े कहलाएंगे, यही से उनके अपराध का संचालन होगा। लेकिन मैं कहते रहा हूं कि अब आगे नहीं चलने वाला है, बहुत लोगों को उन्होंने हद कर चुका है, अब मध्य प्रदेश की धरती पर ही बहुत कि कोई अब रुकने वाला नहीं। पहले उत्तर प्रदेश में भी जब हम लोग कहा करते थे कि सरकार हमारी बन रही है, तब मीडिया के लोग भी हंसी उड़ाते थे कि अरे ये खरदामा के सरकार बन जाए। लेकिन हम लोग जानते थे कि संख्या में हम ज्यादा है, अड़कन के ज्यादा भक्त लोग हैं, मीडिया के लोग भी और लोग भी अड़कन के ज्यादा भक्त है, अड़कन लगाते रहे। अरे पहले तो कहने लगे 70-80 सीट मिल जाएगी, बहुत होगा। फिर आगे बढ़े तो कहने लगे 100 से कुछ ज्यादा कम मिल जाए। इसके बाद थोड़ा और बढ़े, बहुत मिलेगा, तो 130 सीट मिलेगा, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा, सरकार बनने कोई सवाल नहीं, ऐसा कर देते। लेकिन जब रिजल्ट आउट हुआ तब बहुमत से सरकार बनने के लिए घोषित हो गए, तब ये क्या करिश्मा हो गया, तो बहुत पूजे पूजा पाठ किए होंगे, तो कहां गए अड़कन। अरे आप अड़कन लगाते हो, हम दिनों रात खेत खलिहान में काम करते, यहां तो हम लोगों को असली बात से फुर्सत नहीं है, हम तो असली परिवार के असली बेटे हैं, खेत खलिहान के हैं, खेती करते हैं, उसमें कोई मिलावट की बात नहीं होती, साग सब्जी फल फूल में अन्न में कोई मिलावट नहीं कर सकता, लौकी थोड़ा सिर पर रुपया डाले मूली। जितने लोग हमारी बात सुन रहे हो, क्यों पिछड़े हुए लोग, क्या पिछड़ों ने यहाँ के घोषित देवी देवताओं का पूजा नहीं किया, क्या उनका नाम नहीं लिया, क्या जितने अगवान भगवान कहे गए उनका नाम नहीं लिया, क्या उनके नाम पर अपने को निछावर नहीं किया, अगर किया तो पिछड़े क्यों हो गए, कौन सा कारण था, ये प्रश्न है सबके सामने, सबको बताना पड़ेगा, अगर नहीं बताते हो तो आप झूठे। जब सर्वशक्ति मानव का सम्मान हमने किया, पूजा किया, कर्जा दिया, लेकिन मंदिर तक पहुंच के सबको पूजा किया, तब फिर हम पिछड़े क्यों कह रहे हैं, क्यों गांव गांव में सताया गया, क्यों गांव गांव में उनके साथ जुल्म जाति की गई, कौन से लोग हैं, कौन सा हरामखोर तबका गांव गांव में बसा है, जिनको छोटा कहकर, नीच कहकर, पिछड़ा करके और दलित कहकर के इनको सताया दुलाया, कौन है लोग, ये प्रश्न है सबके सामने।
नहीं समझोगे एक छोड़ो, नहीं समझोगे उसी भूल भुलाव में सड़ जाओगे। कभी तुम्हारा कोई भला करने वाला नहीं है। आज बहुत जगह तो मना गया, आज महापुरुषों को लेकर के सामने रखा है। इन महापुरुषों को देखो, जिन महापुरुषों के नाते आज हम तो देखिए मिर्चा पैदा करने वाले का बेटा आज आके लड़कानों में लायक हो गया। आज मतलब है परम अंबेडकर का संविधान। अब पिछड़ों को आगे बढ़ाने के लिए लोगों को काम करना पड़ेगा, नहीं करते हैं। वैसे धीरे धीरे हमारा बहुजन आंदोलन चल रहा है। अब इनको इनके बुलावे नहीं रखना पड़ेगा और पिछड़ों को छोड़ना पड़ेगा। पिछड़े पिछड़े हुए हैं, हमारी मां बहने महिलाएं हैं, महिलाओं के साथ जो जुल्म होता है वो जुल्म देकर के पिछड़ों से भी तक पिछड़ा महिलाओं को कर दिया गया, उनके साथ जुल्म जाति की गई। आज भी अखबार में हमने देखा कि एक व्यक्ति ने अपने गर्भवती हालत में पत्नी को इतना पीटा उसके पेट में पल रहा बच्चा मर गया। ये जुल्म चल रहा है, गर्भवती हालत में अदरक रहा होगा। भले ही आप जो चाहे वो कहती होगी, राजा महाराजा कुछ भी कहती है, भगवान तक कहती होगी, लेकिन आज अगर होता तो उसको मारा न जाता। एक पिछड़े वर्ग के लोगों अपनी हैसियत देखो, तुम काम करके खाने वाले हो, लुटेरों के सामने घूम कर देख के बैठे हो। हम नहीं चाहते ये काम करके खाने वाला कमेरा समाज लुटेरों के सामने फुटना चाहिए। बहुजन आंदोलन इसीलिए आगे आ रहा है। हाँ, एक जगह हो जाओ, परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने जो संविधान दिया है, जो कानून का राज दिया है, कान खोल के सुन लीजिए। ये बात कभी सुने भी नहीं हो। आज अगर चूल्हा फेंकता कोई नजर आएगा तो दुबे भी वो जेल जाएगा नहीं जाएगा? जाएगा, लात खाएगा, डंडा खाएगा, बहुत होगा पैसा से बच जाएगा, बहुत होगा पैसा के से बच जाएगा, पुलिस का लात जेल में खा लेगा, लात मारेगा तो भाई पैसा देगा नहीं तो देगा कभी रहा होगा कि सबसे बड़ा जुआरी धरना कहलाए। अब बहुत कानून है वो भी उनको बांध करके जेल भेजे। अब कोई आपको नहीं होगा कि मैं पर घर पर नंदलाल छेड़ कर मेरी नाकी पर भैया मर कर गए। अरे शर्म आती है, चिल्लू में पानी में क्यों मरने की बात आती, मैं पर घर पर नंदलाल छेड़ गए। क्या हो रहा है ये समाज में, जरा सा भी सरासर वो। लेकिन माँ हमारी रोती हुई माँ, चिल्लाती हुई माँ जैसे ही हमको पैदा कर देती है, धरती को उठाती है, कैसे हंस देती है और पूरे समाज को हंसा भी देती है। क्यों हंसाती है? इसलिए उसके मन में आ जाता है आज हमने सृष्टि का सृजन कर दिया, सृष्टि का सृजन किया। लेकिन यहाँ के नकली लोगों ने, नकली धर्म के लोगों ने आपका दिमाग फेर दिया, असली से नकली की तरफ कर दिया कि सृष्टि कर्ता वो है, सृष्टि कर्ता वो है, सृष्टि कर्ता घर में मां बाप सृष्टि कर्ता है, लेकिन सृष्टि कर्ता घर में अपूज्य हो गया। अब वो पूज्य हो गया जिसका कोई अता पता नहीं। अरे असली पूज्य और नकली पूज्य
आधार पर पैदा होने के बाद माँ हमको सूखे में सुनाती है, अगर हम पेशाब करके गीला कर देते हैं बिस्तर तो माँ मेरी सूखे में सो लेती है, हमको सूखे में हमको सुलाती है, खुद गीले में सो जाती है। बाप के पास भी हम सो गए, भैया के साथ भी हम सो गए, बहनी के साथ भी हम सो गए, किसी भी घर के पास सो गए तो वो खुद गीले में सो लेंगे, लेकिन हमको सूखे में सोला। लेकिन हम कितने नालायक हैं, माँ हमारी जहां तक खांसी आई कि हमारे माँ का कलेजा फटने लगता है, माँ रोने लगती है कि हमारे हमारे बच्चे का क्या हो रहा है, कहाँ कैसी पीड़ा है, माँ चिल्लाने लगती है, बाप परेशान हो जाता है और माँ बाप खुद भूखे रह जाएंगे लेकिन अपने बच्चे को जरूर खिलाएंगे। चाहते बच्चों को अच्छा कपड़ा पहनाने का काम करते हम हमारी तरफ से किसी बात को नहीं कह रहे, अगर मेरी बात गलत हो तो जो कहा वो सजा दे देगा, सही हो अगर सही है अपने माँ बाप के औलाद हो तो सही बात को सही समझना और उसको लेके चलना, हमको हमको झूठी बात न कहना है न झूठे काल्पनिक बातों की तरफ ले जाना है। लेकिन माँ बाप बूढ़े हो चुके, कुछ नहीं जा रहा है, चल फिर नहीं पा रहे हैं, कुछ बैठ नहीं पा रहे, नहा धो नहीं पा रहे हैं, अपने हाथ से खाना लेके नहीं खा पा रहे, अपने हाथ से पानी नहीं पी पा रहे, वो माँ बाप बूढ़े होके बैठे हैं, लेटे पड़े हैं, माँ चिल्ला रही है, प्यास लगी है, माता पिता के आंसू तुम्हारे पिछड़े फन का कारण है, माता पिता के आंसू तुम्हारे सत्यानाश का कारण है, तुम्हारे गरीबी लाचारी का कारण है, इस देश के गुलामी का कारण है, बुजुर्गों का आशीर्वाद अगर मिलता तो आप पिछड़े न होते, लेकिन बुजुर्गों का आशीर्वाद कहां मिला, बुजुर्ग लोग तो तड़पते मरते बेचारे, उनको नकली समझ लिया, असली को नकली, नकली को असली समझा, आज से मैं कह रहा हूं जो असली माँ बाप से पैदा हुए हैं वो असली माँ बाप का सेवा करेंगे, असली माँ बाप का पैदा हुए हैं, अगर पूजा करने का मन हो तो अपने माँ बाप का फोटो खिंचवा के अपने घरों में टांग के रखो और उन्हीं का पूजा कर लिया करो तो देखो तुम सुखी समृद्धशाली हो जाते, असली बात मान के चलोगे तब असली बात पाओगे, लेकिन असली को नहीं मानोगे, नकली में रहोगे तो नकली से कुछ मिलने वाला नहीं, नकली से नहीं कुछ मिलेगा, अपने असली माँ बाप का पूजा करो, माँ बाप का सेवा। आज उत्तर प्रदेश में सरकार बनते ही बहुजन आंदोलन की, चूंकि बहुजन आंदोलन असली मुद्दो है, असली माँ बाप का सेवा करने के लिए प्रेरणा देती है, इसलिए वहां सरकार बनते ही बहन कुमारी मायावती ने अनिवार्य रूप से हर बूढ़े बूढ़ियों को 300 रुपए प्रतिमाह पेंशन सबके घर पहुंचना है, ये वहां किया जा रहा है, करके दिखाया जा रहा है, तब मैं हर लड़का के कहा। लेकिन शिवराज सिंह तो नकली धर्म का पुजारी है ना, वो तो कहला कौन, जो लोग कहलाए नकली धर्म वाले करवाए, किसको लोहा रखकर कंकर पत्थर ठैया भुजा आकाश तला पेड़ पालो नदी गंगा गुट्टी नाना लूली और पत्थर और गोबर, क्या कहा, तुम्हें माता जो पिता तुम्हें वो बन तुम सजा तुम्हें विद्या दया तुम्हें वो तुम्हें
कि कृपा आशीर्वाद देगा। अरे आशीर्वाद का जो सगा अपना प्राप्त नहीं होगा, उन बुजुर्गों का भी सम्मान करोगे, सेवा करोगे, तो वो हमारा बुजुर्ग, हमारे माता, हमारा बड़ा भाई, अंदर से जो आशीर्वाद देगा, उस आशीर्वाद के ताकत के उदाहरण दुनिया में किसी भी की ताकत काम नहीं आ सकती, ये मैं कह रहा। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं, असली रास्ते क्या है। आज बहुजन आंदोलन तेजी के साथ चल रहा है, वहां हमने बताया कि ब्राह्मण नारायण वाल्मीकि तक सब घूम चुके हैं, यहां भी ये आज दुबे को यहां हम लोग सम्मान के साथ इनको अपना कैंडिडेट भी बनाया है, सबको आगे बढ़ाया, इनका विकास भी बहुत आगे बड़े तेजी से यहां के ब्राह्मण ब्राह्मण साथियों को एकजुट करके बड़े तेजी से ले रहे हैं। जमाना बदला है, बदलते हुए समय में अगर बदलने के साथ आप बदले नहीं तो निश्चित है ये बदलाव तो होगा, कोई माइक का रोक नहीं सकता, कोई इसमें कोई भी शक्ति रोकने वाली नहीं है, ये बदल रहा है, अब बदलता हुआ जमाना बहुजन के हाथ आ रहा है, कोई रोक नहीं सकता। अगली सरकारों से पूछा जाएगा, यहाँ के लुटेरों से पूछा जाएगा, यहाँ का कमेरा समाज पूछेगा कि आप बताओ बोल तेरे साथ क्या सलूक किया जाए, पूछा जाएगा जरूर, अब तरक्की करके दिखाया जाएगा। इसलिए यहाँ हम पिछड़े लोगों से चाह रहे आपके महापुरुषों का सम्मान किसी ने नहीं किया, लेकिन आपके महापुरुषों का सम्मान उत्तर प्रदेश की धरती पर सारे जो पिछड़े वर्ग में थे, जो दलित वर्ग में थे, जो कमेरे वर्ग में थे, इन्हीं लोगों ने तो अच्छा काम किया, सबको सम्मान देने का काम किया, पढ़ने पढ़ाने के लिए आगे बढ़ाया, सारा उत्तर काम तो हाथ हुआ। तो इसीलिए सारे अपने असली मानववादी महापुरुषों के नाम से तमाम जिले बन गए, जिला बना छह छह जिला, भगवान गौतम बुद्ध के नाम से बना, छह छह जिले बनाए गए, भगवान गौतम बुद्ध नगर बना, गौतम बुद्ध की माता महामाया महामाया नगर बना, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ सिद्धार्थ नगर बना, भगवान बुद्ध का कर्म होगा तो फिर मिले पूरे देश के जितने भी लोग हैं सब पर फिर मिले लागू हो जाए। इसलिए कि जनरल में भी जो लोग ज्यादा लेयर से ऊपर है उनको सरकारी नौकरियां कतई मिलती है, उनमें भी बावन में भी ठाकुर में भी दुनिया में भी कहीं भी कोई जो गरीब हो पहले उनको नौकरी दी जाए, उनको दिया जाए। हम जो है अब जो हमने ये काम कर दिया है तो अब मिलते नहीं बन रहा है कि आप क्या किया, ये तो बोलिए कि अलग एक समूफा को किया, मैं कह रहा हूं मैं समूफा नहीं छोड़ा, मैंने तो पिछड़ों की आवाज सामने रख दिया, जड़े लोग जो अपनी आवाज नहीं निकाल पाती वो आवाज हमने निकाल के सामने रख दिया। इसलिए हम पिछड़े वर्ग के साथियों से कहना चाहते हैं, आप किसी से नफरत न करें, आपसे पहले ही यहाँ के लुटेरों ने नफरत किया, काम करके खाने वालों के साथ नफरत बहुत पैदा किया गया, बहुत किया गया, लेकिन आप लोग कतई किसी के साथ नफरत न करें, आप जहर मोहब्बत की नदियां बहाएं, आप भगवान बुद्ध के रास्ते पर चलने वाले हो जाओ, जहां दया मैत्री करुणा की लहर पैदा हो। हम भारत के अंदर दया मैत्री करुणा की लहर चाहते हैं, लेकिन हम चाहते हैं इन महापुरुषों के दर्शन के अनुसार कि यहाँ प्यार मोहब्बत की दरिया, हम आपस में प्यार मोहब्बत बनाए, हम आपस में भाईचारा पैदा करें, भोजन हम भोजन ही है, भोजन समाज बाकी है कि आज हर जगह भाईचारा पैदा करें,
अनंत कुमार मिश्रा के अंदर है और उन तेरों को भगाना है कि नहीं, ये पिछले मन के लोग तैयार हो जाया। क्या चाहते हो कि तेरे भाग जाए? अगर तुम तेरों को भगाना चाहते तो हाथ उठा दो एक बार। मैं समझ गया कि अब तेरे भागे के रास्ता बच नहीं सकते, तो यह आंदोलन आ चुका है असली लोगों का, किसी जाति पाति का नहीं, पिछड़ों लोगों का नहीं, स्वजन हिताय परजन सुखाय, सबके हित के लिए, सबके सुख के लिए। भगवान बुद्ध ने कहा था, जात भी खड़े चाय जन बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, लोकन कंपाय, लोकन कंपाय माने स्वजन हिताय, सब में भाईचारा पैदा करने के लिए बहुजन आंदोलन आ खड़ा है। इसलिए हम आपसे भी चाहते हैं कि आप जितने लोग हमारी बात सुन रहे हो, अगर सही माने में असली लोग हो तो आपसे असली बहुजन आंदोलन को अपने साथ लेके चले। बहुजन आंदोलन आपके यहाँ प्यार मोहब्बत पैदा करेगा भाईचारा, और आपसे कीजिएगा। मैं कुछ कहने की बात नहीं कर रहा, सरकार तो बनेगी हमारी, लेकिन उस सरकार में बनने भी आपका भी हाथ हो जाए। सब कुछ देख लिया, इसीलिए हमने बहुत कुछ में सबकी बात बता दी, चाहे किसी की भी सरकार अब तक रही हो, चाहे कांग्रेस की रही हो, चाहे भाजपा की रही हो, चाहे जनता दल की कभी थी उसकी रही हो, कभी जनता पार्टी की थी वो भी रही हो, किसी ने पिछड़ों का पिछड़ापन दूर नहीं किया। समस्याएं जस की तस नहीं, यहाँ के एक से एक आरामपुर गांवों में जो कोई चलता था, जब पहली बार आया आठ महीना पहले, जब पहली बार आया मध्य प्रदेश में, तो वहां मालूम हुआ कि कुछ लोगों के दरवाजे के सामने से अगर कोई चाहता है और दलित तो उसको जूता निकाल के जाना पड़ता है। जो मैंने सुना तो अरे, आज भी भारत के अंदर ऐसी बातें हैं, ऐसे हराम को अभी आए छेड़ने नहीं गए, अब तो यहां लड़ाई छिड़ जाएगी। तब समझ नहीं आया कि कांग्रेस क्या करती रही अब तक, और मतलब तू हरामखोर क्या है, किस धर्म के मानने वाले लोग हैं, जिनके दरवाजे के सामने कोई जा रहा हो तो जूता उतार के जाना पड़ता। लेकिन जैसे ही मैं उधर शिविरों में आना शुरू किया और मैंने कह दिया है पिछड़े वर्ग के लोगों, ये दलित वर्ग के लोगों, ये असली अपने मां बाप के असली जो सही माने में इंसान के औलाद हो, ऐसे औलादों कान खोल के सुन लो, अगर जूता निकाल दिया किसी ने तो जूता निकाल के हाथ में लेने का मतलब क्या होता है? क्या हाथ में जूता पहना जाता है? हाथ में जूता किस लिए लिया जाता है? मारने के लिए। तो हमने कहा कि सभी ये जूता ले लिया, अब तू असल मां बाप के पैदा हो तो वही काम करके दिखाना, अब तो पास ना शुरू किया जा रहा है, और सब धीरे धीरे बंद हो गया, बंद हो गया। ग्रामे एक जगह एक लड़के का हाथ काट दिया गया था, दोनों हाथ। कौन सा जिला है भाई वो जिसमें जिसमें खुला हो जाओगे आप दूसरा हाल हो जाए। इसलिए मैंने आज बहुत ज्यादा बात कर दिया, कितने लोगों के लिए बड़ा सच हो जाएगा कि ये क्या क्या कह रहे, लेकिन मैं कह रहा हूं तो मैं जो भी बात कर रहा हूं अगर सही नहीं है
तब तर्क से आपको कहना पड़ेगा आपको जो चाहे कुछ सजा दे। लेकिन मैंने आज तक माफी कभी नहीं मांगा और मैं कभी नहीं माफी मांगता ना मांग सकता जब तक जान रहेगी माफी नहीं मांगे। आप अगर सजा दोगे सही बात साबित करके तब तो मैं सजा दे दूंगा। सजा आपका हमको सिरधार देगा लेकिन माफ हम नहीं मांगेंगे न माफी आपसे चाहेंगे न माफ आप करेंगे। माफ करेंगे हम कमजोर हो जाएंगे। माफ आप करोगे तो कमजोर हम माफ नहीं करोगे तो हम कमजोर हो जाएंगे। हर जगह मुकाते फिरेंगे। इसलिए मैं आपसे चाह रहा हूं कि आप आओ और हम आज अपनी बात यहां समाप्त जरूर करें लेकिन अपने कुछ नारे जरूर आप फिर वो नारे आप मन से लगा दो ताकि जो जो कहीं आलस है वो ठीक हो जाएगा स्फूर्ति में आ जाएगी और पहले आंदोलन आगे बढ़ जाएगा। हम कहेंगे सच्चे धर्म की क्या पहचान तब आप कहेंगे मानव मानव एक समान। जो मानव हो नारा लगावे बेमानव हो पशु हो तो नारा न लगावे। इसलिए कि भैंस के आगे नहीं बजावे भैंस का नहीं होगा वो नहीं चाहिए। हम कहेंगे सच्चे धर्म की क्या पहचान धर्म अगर किसी का सच्चा है तो वो कहने पर तरीका होगा। तो हम कहेंगे सच्चे धर्म की क्या पहचान आंदोलन का उद्देश्य है। बहुजन समाज पार्टी का एक ही मूल उद्देश्य सबको समान अधिकार समान सम्मान मिलेगा। हम कहेंगे धन धरती शिक्षा सम्मान तो आप कहेंगे नेक रहेगा हर इंसान। धन धरती शिक्षा सम्मान धन धरती शिक्षा सम्मान एक नारा नहीं पालना है कान खोल के खुल दो। अगर डिवीजन पालोगे तो बहुजन आंदोलन मूल रूप से नहीं चल पाएगा। इसलिए हम कहेंगे बहुजन समाज चाहता है तो आप कहें चोर लुटेरा भागा चोर लुटेरा तो लोग भागा भगाओगे नहीं भागा कि मोर रहेगा भाई भागेगा मोर रहेगा तो लुट जाओगे। इसलिए कि डिवीजन ही परिवार का सत्यानाश करता है। हम कहेंगे बहुजन समाज जागा है तो आप कहें चोर लुटेरा भागा है। बहुजन समाज जागा है बहुजन समाज जागा है अब एक नारा जाकर के आते दो। हम कहेंगे बहन कुमारी मारती जिंदाबाद तो आप कहें जिंदाबाद Thank you.